बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हीट इंजन एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझना है तो उसके लिए हीट इंजन का समझ आना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि ये हीट इंजन क्या है। हम कहते हैं हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है कि जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है। हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है कि जो कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करती है। अब किस तरह से, हमारे पास जाहिर बाइक है और गाड़ी भी आपने चलाई हुई होगी, तो बाइक में क्या होता है, जब भी हम किक मारते हैं तो एक स्पार्क सा प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से फ्यूल की बर्निंग होती है। अब फ्यूल की बर्निंग की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब उस हीट की वजह से, इस हीट को यूज़ करके हम क्या करते हैं, वो बाइक के वो पहिए से चलाते हैं, और जो बाइक का पहिया चल रहा है, बाइक आगे वो मूव कर रही है, तो वो हमारे पास क्या हो रहा है, वो वर्क हो रहा है। यानी हीट किस में कन्वर्ट हुई, वर्क में। अगर हम गाड़ियों की बात करें, सल्फ मारें, स्पार्क प्रोड्यूस होगा, फ्यूल की बर्निंग होगी, हीट प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से पहिए वो घूमेंगे और गाड़ी आगे चलेगी। यानी हीट कन्वर्ट इंटू वर्क। अब ये क्या है, ये हीट इंजन है। अब जो सबसे पहला हीट इंजन डिवेलप हुआ था वो कौन सा था, वो था स्टीम इंजन। वो क्या था, स्टीम इंजन था। ये बनाया किसने था, ये हमारे पास जॉर्ज स्टीफन ने बनाया था। और ये किस प्रिंसिपल पे बेस करता है, मतलब ये कैसे उसके जहन में सोच आई कि एक स्टीम इंजन बनाया जाए, वो था कि अगर हम एक पैन लें, अगर हम एक पैन लें और उसमें क्या डालें, वाटर को डालें और वाटर को हीट करें, हीट करें, स्टीम बनेगी, और उस पैन के ऊपर क्या कर दें, ढक्कन रख दें। अब जब वाटर को हीट करेंगे, स्टीम जनरेट होगी, तो क्या होगा, ऊपर से ढक्कन उसका हिलने लग पड़ता है। जब ढक्कन उसका हिलने लग पड़ता है तो वहाँ से यह आइडिया एस्टेब्लिश हुआ कि स्टीम हैज़ एबिलिटी टू डू वर्क, यानी स्टीम में भी एबिलिटी होती है वर्क करने की। वहाँ से ये स्टीम इंजन का आइडिया आया, और जो हमारे पास स्टीफन है उसने ये स्टीम इंजन बनाया। अब स्टीम इंजन में क्या होता था कि हमारे पास एक कोई भी फ्लूइड हम लेते थे, और फ्लूइड को क्या करते थे, हीट करते थे, जिससे स्टीम प्रोड्यूस होती थी। उस स्टीम के ज़रिए से पिस्टन को मूव कराते थे, और पिस्टन के साथ पहिया लगा हुआ होता था। जब पिस्टन मूव करता था तो पहिया भी मूव करता था, और वो जो हमारे पास गाड़ी थी वो चलती थी। ठीक है, ये स्टीम इंजन से हम क्या कराते थे, वर्क कराते थे। ओके, हो गया। अब इसी हीट इंजन की हम देखते हैं एक स्कीमेटिक डायग्राम, देखते हैं एक फर्जी डायग्राम हम इसमें देखते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सोर्स है, ठीक है, जिसका हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, जिसको हम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर भी कहते हैं। ये क्या है, इंजन है, बाद में बताते हैं सारी चीज़ें क्या हैं। ये हमारे पास क्या है, इंजन है, और ये नीचे क्या है, सिंक है, जिसको हम लो टेम्परेचर रिजर्वायर भी कहते हैं। एच मतलब हाई, टी मतलब टेम्परेचर, आर मतलब रिजर्वायर, एल मतलब लो, टी मतलब टेम्परेचर, आर मतलब रिजर्वायर, और यहाँ से क्या होगा, वर्क होगा। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास सोर्स क्या है, सिंक क्या है, और इंजन के ज़रिए से वो वर्क किस तरह से होगा। हमारे पास ये सोर्स है, और सोर्स हाई टेम्परेचर रिजर्वायर मतलब इसका टेम्परेचर हाई होता है, और यहाँ से क्या है, ये Q1 हीट एक्सट्रैक्ट करता है। यानी क्या होगा, यहाँ पर कोई फ्यूल की बर्निंग होगी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट Q1 हम किसको देते हैं, यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस मतलब यहाँ पर हम इंजन को देते हैं। यहाँ पर ये Q1 हीट हम किसको दे रहे हैं, इंजन को दे रहे हैं, जो बर्निंग ऑफ फ्यूल वगैरह की वजह से आ रही है। अब ये जो इंजन है, ये क्या करेगा, इस हीट का कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट कर देगा, और कुछ हीट जिसको हमने Q2 का नाम दिया उसको सिंक में भेज देगा। इसको सिंक में भेज देगा, मतलब हीट Q1 आई, इंजन ने कुछ हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दिया और कुछ हीट को सिंक में भेज दिया। ओके, तो इस तरह से ये क्या है, हमारे पास हीट इंजन वर्क करता है। अब सिंक क्या है, जब भी हम बाइक वगैरह को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास फ्यूल की बर्निंग होती है, क्या वो जो फ्यूल बर्न हो रहा है वो सारे का सारा बाइक चलाने में यूज़ हो रहा है, नहीं, फ्यूल बर्निंग से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कुछ हीट यूज़ हो रही है बाइक को चलाने में, और कुछ हीट जा रही है साइलेंसर की तरफ, और साइलेंसर से किधर जा रही है, सराउंडिंग में। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, लो है, कम टेम्परेचर है, भाई इंजन जहाँ पर वो हीट बर्न हो रही है, जहाँ पर फ्यूल बर्न हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ पर टेम्परेचर हाई,
सराउंडिंग का टेम्परेचर लो, तो हम क्या कहेंगे कि हीट किधर जा रही है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर में जा रही है, मतलब सिंक में जा रही है, मतलब ज़ाय हो रही है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो हीट इंजन क्या करता है, सोर्स से हीट लेता है, कुछ हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, कुछ हीट को सिंक के अंदर भेज देता है। ओके हो गया। तो ये थी हमारे पास हीट इंजन की वर्किंग। अब हम बात करते हैं कि हीट इंजन एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अब हम बात करने वाले हैं। आई थिंक हीट इंजन में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। हम कहते हैं ना कि यहाँ से ये वर्क आ रहा है, अगर हमसे पूछे कि कितना वर्क आ रहा है, कितना वर्क हमारे पास आ रहा है, गौर से सुनना है। हम कहते हैं कि यहाँ पर जो वर्क आ रहा है, Q1 हीट आई और Q1 हीट से कुछ वर्क हुआ और कुछ Q2 हीट सिंक में चली गई प्लस Q2, तो यहाँ पर W कितना आएगा, Q1 माइनस Q2, मतलब इन हीट का जो डिफरेंस होगा वही हमारे पास क्या होगा, वर्क होगा। वही क्या होगा, वर्क होगा। जितनी हीट आ रही है उसमें से कुछ हिस्सा Q2 में चला गया, तो जितनी हीट आ रही है उसमें से Q2 को माइनस कर दे, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास उतनी हीट का वर्क हो रहा है, तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 हमारे पास आएगा। ठीक है, अगर हमें एफिशिएंसी को निकालना हो तो हम एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, ईटा से हम उसको शो करते हैं और वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट जो हमने दी हुई है, इनपुट हम हीट दे रहे हैं, तो एफिशिएंसी इसमें क्या आएगी, W डिवाइडेड बाय Q1 और ईटा इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 और ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 आ जाएगी। ठीक है, और अगर एफिशिएंसी को आपने परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। तो ये था हमारे पास कौन सा टॉपिक, हीट इंजन है। अब हम देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, भाई इसी से सारा कुछ निकल आएगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, देखिए सबसे पहले देखते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी तो पढ़ा है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद रखें कि हमें बताता है कि प्रोसेस कैसे हो रहा है, मतलब हम कैसे वो हीट दे रहे हैं, वो वर्क वगैरह आ रहा है। लेकिन हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बताता कि आया ये प्रोसेस जो है वो पॉसिबल है या नहीं है, वेदर दिस प्रोसेस इज पॉसिबल और नॉट, हमें इस चीज़ के बारे में नहीं बताता। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें इस चीज़ के बारे में भी नहीं बताता कि हीट के फ्लो की डायरेक्शन कहाँ है, मतलब हीट के फ्लो के डायरेक्शन के बारे में हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता। ये दोनों चीज़ें हमें बताता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये दोनों चीज़ें हमें कौन बताता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। याद रखें कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें एक और बात कौन सी बताता है कि हमेशा जो हीट है वो हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है, हार्ट से किधर फ्लो करती है, कोल्ड बॉडी की तरफ है, यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट हमेशा फ्लो करती है। मान लें कि हमारे पास है 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर, यहाँ पर कोई सिस्टम है उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो हीट किधर फ्लो करेगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी, और कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मतलब यहाँ पर भी 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी 50 डिग्री सेल्सियस, क्या अब हीट फ्लो करेगी, नहीं करेगी, क्यों, अब दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, सेम हो गया, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई है। अब क्या इसका रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है कि यहाँ से मैं 50 को दोबारा उठाकर इधर भेजूँ और दोबारा ये वाली कंडीशन आ जाए, मतलब इस तरफ 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, इस तरफ 100 डिग्री सेल्सियस, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा जो हीट है वो फ्लो कहाँ पर करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, नेचुरल प्रोसेस है। यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नेचर को डिस्कस करता है कि अगर हम देखें कि हमेशा जो पानी का वो झरना सा है, अबशार सी है, अब वो क्या है, हाई से ऊपर से पानी नीचे की तरफ गिरता है, क्या खुद ब खुद वो जो पानी है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, नहीं भाई, ऊपर से नीचे खुद ब खुद आता है, ये नेचर है, हाई से चीज़ें लो की तरफ मूव करती हैं, यही हमारे पास क्या है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसी के बारे में डिस्कस करता है। ओके हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास बताता है कि जो प्रोसेस है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को डील करता है। अब यहाँ से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है,
कि जैसे ही 100 और 0 डिग्री सेल्सियस आए एकदम से हीट वहाँ पर फ्लो करके चली गई। तो ये क्या, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में डील करता है। और नेक्स्ट मैंने कहा था कि बताता है कि वेदर द प्रोसेस इज पॉसिबल आर नॉट। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो मेन बात करता है, हम उस पर आते हैं, ठीक है, वो तो सारी वो कहानियाँ होगी, बोरिंग सी कहानियाँ होगी। अब हम आते हैं मेन बात पे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि बार यहाँ से सोर्स से हीट लेगा, इंजन हीट इंजन उसको कुछ वर्क में कन्वर्ट कर देगा, कुछ Q2 सिंक में भेज देगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि ऐसा इम्पॉसिबल है कि हमारे पास लो टेम्परेचर रिजर्वायर ना हो और हम वर्क करा दें। ऐसा इम्पॉसिबल है कि ये लो टेम्परेचर वाला रिजर्वायर सिंक, यानी जो सिंक है, ये ना हो और यहाँ से सोर्स से आने वाली सारी की सारी हीट हम वर्क में कन्वर्ट करवा दें, वर्क उसका बना दें। दोबारा से इसको बताते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर ये सोर्स है, मतलब सिंगल टेम्परेचर रिजर्वायर से हम वर्क नहीं करा सकते, ये सोर्स है, यहाँ से क्या आई, हीट आई Q1, यहाँ पर इंजन, और सारी की सारी Q1 हीट को हम वर्क में कन्वर्ट करा दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है विदाउट एनी सिंक। यहाँ से सारी हीट आई और सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट होगी, वर्क में कन्वर्ट होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम इंजन बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच कन्वर्ट ऑल इट्स हीट इनटू वर्क विदाउट एनी सिंक, विदाउट एनी लो टेम्परेचर रिजर्वायर। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन, ऐसा हीट इंजन बनाना नामुमकिन है विच कन्वर्ट ऑल इट्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क, जो सारी की सारी हीट को सिर्फ वर्क में कन्वर्ट कर दे और यहाँ पर सिंक में कोई हीट ना जाए, मतलब कि Q2 इज इक्वल टू जीरो हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही हमें कहता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो या इसके एक और भी हम डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन वूज एफिशिएंसी इज 100%। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम कहते हैं कि इसकी अब एफिशिएंसी क्या हो गई है, 100% हो गई है। अगर हमारे पास ये चीज़ ना हो, अगर हमारे पास ये चीज़ ना हो, सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए, तो हम कहेंगे इस हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ हीट जो है वो ज़ाया हो जाती है, वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर में चली ही जाती है, हम सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं करा सकते। अगर हम बात करें कि जो पेट्रोल इंजन है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, पेट्रोल इंजन की, मतलब जो पेट्रोल है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, वो होती है 25%। वो कितनी होती है उसकी, 25% होती है। और डीजल की कितनी होती है, डीजल की एफिशिएंसी कितनी होती है, वो 35 से 40% तक होती है, ठीक है। पेट्रोल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 25% होगी, और जो डीजल इंजन की एफिशिएंसी होती है वो 35 से 40% होती है, ओके हो गया। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, इसी इक्वेशन के बारे में डील करता है, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 के बारे में डील करता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए, मान लें कि अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर तो भाई टू टेम्परेचर रिजर्वायर थे, एक ये था एक ये था, यहाँ पर कितने टेम्परेचर, यहाँ पर कितने रिजर्वायर है, सिर्फ एक है, यानी कि सिंगल हम सोर्स से, सिंगल टेम्परेचर रिजर्वायर से हम वर्क नहीं करा सकते। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए या होता तो क्या होता, वो चीज़ देखते हैं। देखिए हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर है ये कितना ज़्यादा हीट से भरा हुआ है, तो क्या मैं इसे वर्क करा सकता हूँ, नहीं। ओशन समुंदर कितना ज़्यादा उसमें हीट है, क्या मैं उसे वर्क करा सकता हूँ, नहीं, क्योंकि मैं सिंगल सोर्स से, सिंगल टेम्परेचर रिजर्वायर से वर्क नहीं करा सकता, जबकि हमारे पास लो टेम्परेचर रिजर्वायर ना हो। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एटमॉस्फेयर से वर्क करा रहा हूँ, मैंने एटमॉस्फेयर से हीट को एक्सट्रैक्ट किया, इंजन को दिया, वर्क कराया, अब इंजन कुछ हीट किधर करता है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर में। मुझे बताएं कि जब मैं एटमॉस्फेयर से हीट को ले, एटमॉस्फेयर तो खुद लो टेम्परेचर रिजर्वायर है, लेकिन अगर मैं उसको एज अ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर डील करूं, 25 डिग्री सेल्सियस है ना उसका टेम्परेचर, या 27 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा,
वहाँ से मैं हीट को एक्सट्रैक्ट करूँ, इंजन को दिया। अब इंजन को दिया, उस इंजन ने वर्क किया, इंजन को जो है कुछ हीट को किधर करेगा, लो टेम्परेचर रिजर्वायर में भेजेगा। अब यहाँ पर लो टेम्परेचर रिजर्वायर कौन सा है भाई, 35 डिग्री सेल्सियस अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, वहाँ से हीट तो ले ली, लेकिन अब जो हीट इंजन ने कुछ ना कुछ लो टेम्परेचर रिजर्वायर में भेजनी है, वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर नहीं है। मतलब ऐसा हम कौन सा रीजन लेके आए कि जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 35 से कम हो और हम वहाँ से एटमॉस्फेयर से हीट लेके और थोड़ी सी हीट उस लो टेम्परेचर रिजर्वायर को दे दें, ऐसा है ही नहीं है। इसी तरह ओशन से हीट लें, वर्क कराएं, लो टेम्परेचर रिजर्वायर नहीं है फिर उसमें। अगर तो हम हीट इंजन से वर्क कराएं, मतलब यहाँ से कोई सोर्स दे बर्निंग का फ्यूल करें, तो यहाँ से हीट इंजन को दे, इंजन वर्क करेगा, कुछ इंजन हीट लो टेम्परेचर रिजर्वायर में भेजेगा, यानी क्या सराउंडिंग है। मान लें हीट इंजन वो टेम्परेचर हाई और वहाँ से कुछ वर्क किया, थोड़ी सी जो हीट भेजी वो सराउंडिंग को भेज दी। अब सराउंडिंग क्या है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर 25 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस, चल पड़ा इंजन। लेकिन जब सराउंडिंग से ही हीट ले रहे हैं तो फिर इंजन को कैसे, फिर हम कैसे वर्क कराएंगे, क्यों, लो टेम्परेचर रिजर्वायर उसमें नहीं होता। होप सो कि ये जो थोड़ी छोटी छोटी बातें ये समझ आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इसमें जो लास्ट बात आती है, ठीक है, जो हमारे पास है ना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जस्ट इतना ही था कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, विदाउट सिंक हम कोई वर्क नहीं करा सकते, बस ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब रेफ्रिजरेटर, थोड़ा सा रेफ्रिजरेटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रेफ्रिजरेटर, अच्छा रेफ्रिजरेटर क्या होता है, ये रिवर्स प्रोसेस होता है हीट इंजन का, रिवर्स प्रोसेस ऑफ हीट इंजन, ओके हो गया। मतलब हीट इंजन क्या करता है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट लेता है और लो टेम्परेचर रिजर्वायर में उस हीट का कुछ हिस्सा भेज देता है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट लेता है और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में भेज देता है। अब हम कहें कि सर हीट तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर से खुद ब खुद जा ही नहीं सकती, तो रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है और लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट भेज देता है, ये कैसे पॉसिबल है। अब वो चीज़ देखते हैं, ठीक है, गौर से देखिए। मैंने कहा है रिवर्स प्रोसेस किस तरह से, मैं यहीं पर इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। रेफ्रिजरेटर का ना पहले इस फिनोमेना समझें, सारा कंस्ट्रक्शन यही रहेगी। रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में हीट को भेज देता है। और ये खुद ब खुद फिनोमेना नहीं हो सकता, हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ खुद ब खुद हीट नहीं जा सकती। अगर हमें लो टेम्परेचर रिजर्वायर, मतलब सिंक से हीट निकाल के हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में हमें भेजनी है, तो हमें वर्क कराना पड़ेगा, हमें वर्क कराना पड़ेगा। मतलब अगर आप शार है ना, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अगर वो तो खुद ब खुद आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि इसको नीचे से ऊपर भेजो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क कराना पड़ेगा, तब मैं नीचे से ऊपर भेज सकता हूँ, खुद ब खुद नहीं जा सकता। सेम इसी तरह लो टेम्परेचर रिजर्वायर से अगर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में मुझे हीट को भेजना है, तो मुझे क्या कराना पड़ेगा, वर्क कराना पड़ेगा। यही प्रोसेस हमारे पास होता है रेफ्रिजरेटर में। और एक और जी, ये केल्विन स्टेटमेंट है, ये भी याद रखना है, ठीक है, बताना भूल गया था इसमें। अब कैसे, मान लें कि हमारे पास क्या है, रेफ्रिजरेटर है, कोई फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है। अब रेफ्रिजरेटर में मान लें जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 5 डिग्री सेल्सियस है, और 5 डिग्री सेल्सियस है बाहर का जो रूम का टेम्परेचर है वो मान लें कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या करना है, रेफ्रिजरेटर में से हीट को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालना है, हीट को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालना है, तो ही हमारे पास जब अंदर का टेम्परेचर फिर लो होगा और हमारी जो चीज़ें हैं वो ठंडी रहेंगी। अब हीट को बाहर निकालना है, यानी कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ भेजना है। जो हमारे पास है ना यहाँ पर लो टेम्परेचर रिजर्वायर, वो क्या होता है, वो ये रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, और जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर यहाँ पर हम लेते हैं वो हम रूम को लेते हैं। वो हम किसको लेते हैं, वो हम रूम को लेते हैं, मतलब रेफ्रिजरेटर से रूम के अंदर हमने हीट को भेजना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ भेजना है, तो हमें क्या कराना पड़ेगा, वर्क कराना पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर पीछे से फ्रिज ऑफ हो, क्या फ्रिज में से हीट निकल के बाहर जाएगी, भाई नहीं जाएगी,
क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी तो वो हीट अंदर से एक्सट्रैक्ट करके बाहर फेंकेगा ना, तब अंदर वो कूलिंग होगी। ओके हो गया। तो ये हमारे पास प्रोसेस होता है रेफ्रिजरेटर में, जो कि रिवर्स प्रोसेस है हीट इंजन का। और उससे क्या होता है, इसे होता ये है कि जो हमारे पास है रूम की जो हीट है, रूम की जो हमारे पास हीट है वो बढ़ जाती है। मतलब कि अगर फ्रिज किसी रूम में लगा हुआ हो तो उस रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट है फ्रिज जो है वो एक्सट्रैक्ट करके बाहर रूम में निकाल रहा है। ओके हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने हीट इंजन को डिस्कस किया और हमने डिस्कस किया सेकेंड हाफ थर्मोडायनेमिक्स को। होप्स हो कि ये दोनों आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।